वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। हमारा एक नया क्रैश कोर्स है जहां पे हम आपको पिछले 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स आपके डिस्कस हो जाएं जितने भी रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स करवा रहा हूँ, तो आपके 1.5 ईयर्स के जितने भी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उन सबको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसको हम ज़्यादा करंट पार्ट ही रखेंगे रादर देन अ स्टैटिक पार्ट, बट करंट पार्ट के साथ हमारा स्टैटिक पार्ट भी होगा ताकि आप उससे रिलेट कर सको। जैसे कि इकोनॉमिक्स के बेसिक टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड जितने भी 1.5 ईयर्स में करंट अफेयर्स आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। साथ में उनके साथ स्टैटिक पोर्शन भी रखेंगे ताकि आपको रिवाइज करने में इजी हो सके, आपको मदद मिल सके और यूपीएससी 2020 के लिए आपको तैयारी करने के लिए हेल्प मिल सके। तो हम यही करेंगे। जैसे कि आज का हमारा पहला लेक्चर जो होगा डेट विल बी रिलेटेड टू नेशनल इनकम, उसके साथ हम कुछ उसका करंट वाला पार्ट पढ़ेंगे और जो उसके साथ रेलेवेंट स्टैटिक पार्ट होगा उसको हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली टॉपिक क्या है हमारा? नेशनल इनकम। टॉपिक क्या है हमारा? नेशनल इनकम। और इसके अंदर जो कंटेंट कवर्ड है वो बेसिकली करंट के कौन कौन से पोर्शन है, रिवाइज मेथडोलॉजी ऑफ GDP एंड स्लो डाउन इन इकोनॉमी। तो दो चीजें हम बेसिक डिस्कस करेंगे जो करंट के रिलेटेड थे, डेट वॉज रिवाइज मेथडोलॉजी ऑफ GDP एंड स्लो डाउन इन द इकॉनमी। फिर उसके साथ हम जिसके जो साइड के टॉपिक्स हैं, जो स्टैटिक वाला पार्ट है, उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लाइक GDP वर्सेस GVA क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ GDP, उसके एडवांटेजेस क्या थे, और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो जो हमने किया है उसमें से एक पोटेंशियल क्वेश्चन क्या बन सकता है अगर हम बात कर रहे हैं फॉर यूपीएससी 2020। तो जो बेसिक हमारा है तो वो रिलेटेड किसके है, आज की जो बेसिक वीडियो जो रिलेटेड है डेट इज रिलेटेड टू GDP, डेट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी वीडियो रिलेटेड है GDP से रिलेटेड, और GDP की रिलेटेड जो भी हमारे अभी लेटेस्ट आए हैं 1.5 ईयर्स में उन सभी इश्यूज को डिस्कस करते हैं और उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से पेपर में हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले बेसिक GDP वर्सेज GVA में डिफरेंस, तो आप देख सकते हैं कि GDP क्या होता है। GDP की अगर हम बात करें, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू, याद रखना जब भी हम GDP की बात करते हैं इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं GDP की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं एक तो पहली चीज मॉनेटरी वैल्यू की, दूसरा किसकी, फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज की, और थर्ड होती है प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। तो जब भी GDP का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी तरीके से फ्रेम किया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि GDP में बात किस चीज की हो रही है। GDP में अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो मॉनेटरी वैल्यू की हो रही है, दूसरी फाइनल गुड्स की बात हो रही है, तीसरी बात हो रही है डोमेस्टिक टेरिटरी की, हमारी टेरिटरी की बात हो रही है। तो इसके अंदर बेसिकली उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम कवर करेंगे जिसके रिलेटेड कुछ मनी का एक्सचेंज हुआ है। इसी वजह से जो बार्टर सिस्टम के अंदर चीजें होती हैं वो GDP के अंदर काउंट नहीं होती है। क्यों? बार्टर सिस्टम के अंदर मनी का एक्सचेंज नहीं होता है, और GDP में जब भी हम बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं। तो ये होती है हमारी क्या, व्हाट बेसिक, डेट इज GDP। नेक्स्ट वी कम टू GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखो कोई भी चीज बनती है उसकी हर स्टेज पे कोई ना कोई वैल्यू एडेड होती है, और जो जितनी भी वैल्यू एड होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, दैट इज GVA। याद रखना अगर मैं GVA की बात कर रहा हूं एट द फैक्टर कॉस्ट, किसकी बात कर रहा हूं, GVA की अगर मैं बात कर रहा हूं एट व्हाट, फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा हूं किसकी, GVA की, तो उसके अंदर हम ना ही सब्सिडीज को एड कर रहे हैं ना ही टैक्सेस को इंक्लूड कर रहे हैं। जब GVA की बात हो रही है तो उसके अंदर टैक्सेस और सब्सिडीज इंक्लूडेड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये चीज याद रखना जो कि बेसिक डिफरेंस है किसका, GVA का और GDP का। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि GVA और GDP में क्या होता है कि GVA एक तो सेक्टर स्पेसिफिक होता है, GVA क्या होता है, सेक्टर स्पेसिफिक, वाइल जो GDP होता है हम सभी का समेशन कर देते हैं किसका, GVA का, फिर उसमें एंड में हम क्या ऐड कर देते हैं, टैक्सेस एंड
सब्सिडीज, या फिर टैक्सेस को ऐड किया जाता है और सब्सिडीज को क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। अगर हम बेसिक टर्म्स की बात करते हैं तो जीवीए में मैं बात किसकी कर रहा हूं कि जो चीज फैक्ट्री में बन रही है फिर जब वो मार्केट में आएगी तो उसमें क्या ऐड होंगे, टैक्सेस, क्या सब्ट्रैक्ट होंगी, सब्सिडीज। सो दैट बिकम्स जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हम बात किसकी कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में कितनी मार्केट वैल्यू है उस गुड और सर्विस की। जब हम जीवी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं फैक्टर कॉस्ट पे कितनी वैल्यू ऐड हुई है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट दैट इज जीडीपी एंड जीवीए। जीडीपी में बात कर रहा हूं सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, और उसमें टैक्सेस और सब्सिडीज का नेट आएगा। जीवीए में ऐसा कुछ नहीं आएगा, जीवीए बट सेक्टर स्पेसिफिक होता है, जबकि जीडीपी क्या होता है, पूरी इकोनॉमी का क्या होता है, समेशन होता है। क्लियर है? तो ये हमें बेसिक पता चल चुका है कि जब हम बात भी करेंगे आने वाले टाइम में कि मेथोडोलॉजी चेंज कर दी है जीडीपी की, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीडीपी और जीवीए में बेसिक डिफरेंस क्या है। और जितना भी डेटा है हमारा जीडीपी को लेके, जितनी भी काउंटिंग करी जाती है, दैट इज गिवन बाय व्हाट, सीएसओ। उसका डेटा कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो किसके अंदर आता है, मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो डेटा प्रोवाइड करती है किसको लेके, जीडीपी को लेके एंड जीवीए को लेके। आई होप आपको क्लियर हो गया कि जीडीपी का मेन मतलब क्या है और जीवीए का मेन डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीवीए एंड जीडीपी। तो जीवीए क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है विदाउट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। जीडीपी में हम उन्हीं तीन चीजों को क्या कर देते हैं, इंक्लूड करते हैं। बाकी नेक्स्ट आते हैं कि मेथड्स क्या है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। ये हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जब हम बात करते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। सबसे पहले आता है इनकम मेथड, सेकंड आता है एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड आता है आउटपुट मेथड। तीन मेथड है हमारे पास, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड। और अगर मैं बात करूं जो बेसिकली गवर्नमेंट यूज करती है, दे यूज एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। तो तीन तरह के हमारे मेथड होते हैं, दैट इज इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड। बट उसमें से जो बेसिक ज्यादा यूज किया जाता है, दैट आर बोथ एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड। अगर हम इनकम बात कर रहे हैं, इनकम मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, हमारा इसमें आता है एंटरप्रेन्योरशिप आती है, और कैपिटल। उनसे जो जो इनकम निकलती है उन सबको हम एड ऑन कर देते हैं। उनको एड ऑन करने के बाद हम जब समेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, जीडीपी। जैसे कि लैंड से हमारे पास आता है रेंट, लेबर से आती है वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल से हमारे पास क्या आता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप से क्या आता है, प्रॉफिट। तो इन चारों चीजों का जब हम फैक्टर्स का समेशन करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, इनकम मेथड। क्लियर है? तो मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन में पहला मेथड कौन सा है, इनकम मेथड, जिसमें हम फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, हमारी कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्लूड करते हैं। उनसे जो जो इनकम आती है हम उसके अंदर क्या कर देते हैं, उनका समेशन। तो पहला मेथड हो जाता है कौन सा, इनकम मेथड। सेकेंड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, जो आजकल यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली इसमें चार तरह का एक्सपेंडिचर लिया जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स किए जाते हैं। अब इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि जब जीडीपी निकाल रहे हैं तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, डिमांड साइड। हम बेसिकली कौन सी साइड देख रहे हैं, डिमांड साइड, दैट इज द कंज्यूमर साइड। ये याद रखना, पेपर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक्सपेंडिचर मेथड किस पर्पस के लिए यूज होता है, इट इज कैलकुलेटेड फॉर डिमांड साइड। डिमांड साइड से जब हमने कोई चीज निकालनी है तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी। तो चार तरह का एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर है? जब इनका समेशन कर दिया जाता है फॉर द होल ऑफ द इकोनॉमी तब हमारे पास क्या निकल आती है, हमारी जीडीपी। तब उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, जीडीपी, और वो हमारा क्या बन जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम चेक कौन सी चीज कर रहे हैं, डिमांड चेक कर रहे हैं कि कोई भी आदमी जब कोई चीज खर्चा किन किन चीजों के ऊपर कर रहा है, या कंजम्पशन पे करेगा या इन्वेस्टमेंट पे करेगा,
या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा या उसका एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर करेगा। अगर मैं एग्जांपल लूं, कंजम्पशन की कार हो सकती है, इन्वेस्टमेंट कोई मशीन पे खर्चा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सैलरीज पे खर्चा, और एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि कोई चीज हमने बाहर एक्सपोर्ट की तो उससे जो कंपनी को एक्सपेंडिचर रिसीव हुआ है। सपोज करो यहां की इंडिया की कोई गाड़ी बनाता है, उसे बाहर एक्सपोर्ट करता है, तो उसे जितना पैसा रिसीव होगा वो किसके अंदर आएगा? एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर के अंदर। बट इसमें हम माइनस क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। माइनस हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। इंपोर्ट एक्सपेंडिचर को हम इसके अंदर माइनस करते हैं, क्यों? क्योंकि वो चीज हमारी देश के अंदर नहीं बनी है, और जीडीपी के अंदर हम हमेशा कैलकुलेट क्या करते हैं? जो चीजें देश के अंदर बनती हैं। तो वही चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए कितना पैसा रिसीव किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इन द फॉर्म ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। तो हमारा सेकेंड मेथड था, दैट वॉज व्हाट? एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है? थर्ड मेथड है हमारे पास आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। तो बेसिकली हमारे पास तीन सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इन तीनों सेक्टर्स को लेते हैं हम, और इसके अंदर जितनी जितनी वैल्यू ऐड करी जाती है हर स्टेज के अंदर, उसका हम समेशन करते हैं, और उससे हम क्या निकालते हैं? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? जीडीपी। अब एक्सपेंडिचर मेथड में हमने देखा किस तरफ से था? डिमांड साइड से। किसकी तरफ से था? डिमांड साइड से। बट जब हम आउटपुट मेथड ले रहे हैं तो वो किस साइड से देख रहे हैं? सप्लाई साइड से। ये चीज याद रखना कि एक्सपेंडिचर मेथड में डिमांड साइड से लिया जा रहा है, और आउटपुट मेथड कौन सी साइड से लिया जा रहा है? सप्लाई साइड से। तो दो है हमारे पास, एक है डिमांड साइड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट मेथड है सप्लाई साइड में। आउटपुट मेथड में हम वैल्यू एडिशन चेक कर रहे हैं हर स्टेज के ऊपर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, और वो क्या है? सप्लाई साइड से। और जो गवर्नमेंट बेसिकली यूज कर रही है जो दो मेथड्स को, डेटा एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट मेथड, तो इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हमारी जीडीपी। तो पहले में हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी वर्सेस जीवीए, सेकंड था हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमारा करंट का पोर्शन था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिवाइज जीडीपी सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जीडीपी को रिवाइज कर दिया गया इन द ईयर 2015। अब 2015 में हमने जीडीपी को रिवाइज किया, बेसिकली जो भी सब कुछ लेके आएगा जीडीपी के रिलेटेड, वो कौन लेके आएगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो बेसिकली जीडीपी के रिलेटेड एक रिवाइज सीरीज लेके आता है। उसके अंदर जो मेजर पॉइंट्स क्या थे, पहले जीडीपी का बेस ईयर क्या था? 2004-05। उसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया? 2011-12। तो सबसे पहले चीज क्या करी गई कि बेस ईयर को चेंज कर दिया गया, 2004-05 से चेंज करके क्या कर दिया गया? 2011-12। बेसिकली ये जो बेस ईयर हम चूज करते हैं जीडीपी की कैलकुलेशन में, ये वो ईयर चूज किया जाता है जहां पे इकॉनमी स्टेबल रही हो, इन्फ्लेशन कम रही हो, और हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर स्टेबल रहे हो। तो इन्होंने 2015 में बेस ईयर को चेंज कर दिया, 2004-05 से चेंज कर दिया क्या? 2011-12। और उसके अंदर इन्होंने एक नया मेथड लेके आए, दैट इज सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008। अब इस सिस्टम के अंदर क्या था जिसके थ्रू हमने अपनी जीडीपी में चेंजेस लेके आने की कोशिश करी? पहली चीज, हमने यहां पे जीवीए निकालना शुरू करा, एट व्हाट? बेसिक प्राइस। तो पहले हमें दो चीजें पता होती थी, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, बट अब बीच में एक प्राइस लेके आई, दैट इज द बेसिक प्राइस। और फिर बेसिक प्राइस की मदद से हमने क्या निकाला? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसके अंदर दो चीजें याद रख लेना, पहला कि हमने तो बेस ईयर चेंज कर दिया, बेस ईयर को चेंज करके कर दिया 2011-12, और दूसरी चीज जो मेथडोलॉजी थी जीवीए को निकालने की, जो हमारा थर्ड मेथड था, दैट वाज द आउटपुट मेथड, हमने उसके अंदर चेंजेस क्या कर दिए कि हम निकालेंगे तो सही जीडीपी, बट निकालेंगे थ्रू विद द हेल्प ऑफ व्हाट? बेसिक प्राइसेस। पहले फैक्टर कॉस्ट से जाएंगे बेसिक प्राइसेस की तरफ, और बेसिक प्राइसेस की तरफ किसके थ्रू जाएंगे? जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, जो हमारी क्या बन जाएगी? हेडलाइन जीडीपी। ध्यान से देखो, पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो मैंने पहले बात बोली। अब फैक्टर कॉस्ट से हम बीच में बेसिक प्राइस में जाएंगे, और उसके बाद हम कहां पे जाएंगे? मार्केट प्राइस की तरफ। इसको करने का मेन मकसद क्या था कि कंज्यूमर एक्चुअल में कितना पैसा पे कर रहा है। एक्चुअल तो वही चीज चेक करनी चाहिए ना, अगर हम जीडीपी की बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू चेक करने के लिए हमने क्या किया? मेथडोलॉजी को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मेथडोलॉजी ही चेंज कर दी, बेस ईयर को चेंज कर दिया गया, और कैलकुलेशन का जो तरीका था उसे हमने क्या कर दिया? चेंज
कर दिया। अब वो तरीका चेंज करके नया फॉर्मूला क्या था उसको देखते हैं। हमारे पास नया फॉर्मूला आता है जहां पे हम जीवीए बेसिक प्राइस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? जीवीए एट बेसिक प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में तो हमें पता है कि तीनों फील्ड में जब हमने आउटपुट मेथड में देखा था, दैट इज द फैक्टर कॉस्ट इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। बट उसमें एक नई चीजें ऐड कर दी गई, प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कर दिया गया, प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर दिया गया। अब दो टर्म्स आ रही हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज। फिर जब हमने मार्केट प्राइस पे जीवीए को निकाला तो क्या करा, इस बेसिक प्राइस के अंदर प्रोडक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया गया और प्रोडक्ट सब्सिडी को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। तो एंड में जब मैं जीडीपी निकाल रहा हूं किसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर, तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, मैं प्रोडक्शन टैक्सेस को और प्रोडक्ट टैक्सेस को ऐड कर रहा हूं और प्रोडक्शन सब्सिडीज को और प्रोडक्ट सब्सिडीज को क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो दो चीजें हो रही हैं, जब मैंने बेसिक फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है तो मैं प्रोडक्शन टैक्सेस को और प्रोडक्शन प्रोडक्ट टैक्सेस को ऐड कर रहा हूं और प्रोडक्शन और प्रोडक्ट सब्सिडी को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि ये प्रोडक्शन टैक्सेस क्या है, प्रोडक्ट टैक्सेस क्या है, प्रोडक्शन सब्सिडी क्या है और प्रोडक्ट सब्सिडी क्या है। तो ध्यान से सुनिए, प्रोडक्शन टैक्सेस की अगर मैं बात करूं, दिस टैक्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन टैक्सेस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं बिल्कुल भी, बट जो प्रोडक्ट टैक्सेस होते हैं वो एक्चुअल आउटपुट के ऊपर लगाए जाते हैं। किसके ऊपर लगाए जाते हैं? एक्चुअल आउटपुट के ऊपर लगाए जाते हैं, दैट आर प्रोडक्ट टैक्सेस। तो प्रोडक्ट टैक्सेस जो आउटपुट के ऊपर लगते हैं कौन से होते हैं? एक्साइज टैक्स, वैट टैक्स, जीएसटी। ये सब एग्जांपल किसकी है? प्रोडक्ट टैक्सेस की। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन टैक्सेस की, किसकी बात कर रहा हूं? प्रोडक्शन की। उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसका जो इनिशियल में टैक्सेस दिए जाते हैं, लाइक लैंड्स हमारे रेवेन्यू पे करना पड़ता है, स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है या प्रोफेशन टैक्स पे करना पड़ता है, वो सब एग्जांपल किसकी है? प्रोडक्शन टैक्सेस की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर रहे क्या आउटपुट क्या है। सेम इन द केस ऑफ प्रोडक्शन सब्सिडी एंड व्हाट, प्रोडक्ट सब्सिडी, जो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर दी जा रही है, जैसे एलपीजी के ऊपर दी जा रही है, दैट इज प्रोडक्ट सब्सिडी। बट जो इनिशियल चीजें दी जा रही हैं प्रोडक्शन के लिए, लाइक पावर के लिए दी जा रही है, जो फर्टिलाइजर के लिए दी जा रही है, प्रोडक्शन के लिए दी जा रही है, दैट कम्स अंडर व्हाट, प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो दो है हमारे पास चीजें, एक तो प्रोडक्शन टैक्सेस है, दूसरी क्या है? प्रोडक्ट टैक्सेस। एक प्रोडक्शन सब्सिडी है, दूसरी क्या है? प्रोडक्ट सब्सिडी। तो हमने मेथडोलॉजी चेंज कर दी। मेथडोलॉजी में चेंज करके हमने क्या करा, फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पे आए और बेसिक प्राइस से किसके ऊपर आए? मार्केट प्राइस के ऊपर। जब हम मार्केट प्राइस में आ रहे हैं तो प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस को ऐड कर रहे हैं और प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। ये हमारा बेसिक मेथडोलॉजी में चेंज आया जब हमने नई जेडीपी डेटा सीरीज को रिवाइज करा। एक तो बेसियर चेंज कर दिया और दूसरा हम क्या निकाल रहे हैं? मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं जीडीपी इंस्टेड ऑफ व्हाट, फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारे बेसिक चेंजेस आए थे किसके अंदर, अगर हम बात कर रहे हैं रिवाइज मेथडोलॉजी ऑफ जीडीपी के अंदर। और एक चीज हमने और क्या करी, हमने कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करी किसकी? कॉर्पोरेट सेक्टर की, इन माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज की। तो याद रखना कि जो बेसिक चेंजेस आए हैं मेथडोलॉजी में वो कौन से हैं और उसकी वजह से नई टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी इंक्लूड हुई हैं, लाइक प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्शन सब्सिडीज एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज। नई टर्मिनोलॉजी कौन सी आ गई? बेसिक प्राइस। कौन सी आ गई? बेसिक प्राइस। और दूसरी कौन सी आई? मार्केट प्राइस। तो अगर आपको कोई भी चीज पता करनी हो तो कैसे, फैक्टर कॉस्ट से जाएंगे बेसिक प्राइस की तरफ और बेसिक प्राइस से किसकी तरफ जाएंगे? मार्केट प्राइस की तरफ। अब ये करने का एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ न्यू सीरीज। तो हमें पता होना चाहिए कि नई सीरीज के एडवांटेजेस क्या थे। सबसे पहला, आपको पता है कि हमने नंबर्स को चेंज कर दिया क्योंकि अब हम किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ऑटोमेटिकली हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? इनहांस। हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? इनहांस। और इंडिया अपनी इंप्रूव क्या कर पाएगा? जीडीपी के एस्टीमेट्स। सेकेंड हेल्प क्या मिलेगी? हमारी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी। क्यों? हमारी जीडीपी इंप्रूव होगी। अगर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर स्ट्रांग है तो उससे क्या होएगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी किसके? इंडिया के अंदर। थर्ड चीज, जब हमारे जीडीपी फिगर्स बदल जाएंगे, जीडीपी फिगर्स चेंज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से हमारा जीडीपी में रैंक ओवर द वर्ल्ड
क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। अगर हमारा रैंक इंप्रूव हो रहा है वर्ल्ड में किसको लेके, जीडीपी को लेके, ऑब्वियसली तो आईएमएफ में हमारे पास चांस है कि हमारा क्या इंक्रीज हो जाएगा, कोटा, क्योंकि आईएमएफ का कोटा डिपेंड करता है कि आपकी जीडीपी का साइज क्या है। तो बेसिकली एडवांटेजेस क्या है, एक हमारे जीडीपी नंबर्स इंप्रूव हो गए, सेकंड क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो गई जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, और थर्ड चीज क्या है कि हमारा आईएमएफ में कोटा होने का, बड़ा होने का चांस ज्यादा है। सो दिस वाज द मेजर करंट पोर्शन जो हमने नेशनल इनकम साथ डिस्कस करना था, दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक, रिवाइज मेथोडोलॉजी ऑफ जीडीपी। उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए था कि जीडीपी क्या है, जीवीए क्या है, और मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के क्या है, कि जीडीपी जीवीए क्या है। नेशनल इनकम के लिए तीन तरीके हैं, पर हम यूज कौन से कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट मेथड। और अब हमने क्या कर दिया है, नए चेंजेस कर दिए मेथोडोलॉजी के अंदर, बेस ईयर को चेंज कर दिया 2011-12 में, और नया तरीका लेके आए हैं, दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस टू मेक इट मोर कंज्यूमर सेंट्रिक। नेक्स्ट आज का जो हमारा है करंट अफेयर, दैट इज स्लो डाउन इन इंडियन इकोनॉमी। ये अभी आप देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की प्रोजेक्शन पहले होती थी कि जीडीपी ग्रोथ होगी अराउंड 7%, 7.5%, या हमारी चलती थी कि 8% होगी ग्रोथ, बट वो बाद में जाके बहुत कम होने लग गई। उसका रीजन क्या था, आप देख सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारा ग्राफ जून 2012 में कहां पे था, 8% को टच कर रहा है, और बीच में 15 के अराउंड इट हैज बीन टचिंग दिस 8.5 मार्क, बट वो धीरे धीरे आते आते जून 2019 तक कितना आ गया, 5%। तो आप देख सकते हैं कि 2015 से लेके 2019 के बीच में हमारा ग्राफ में कितने चेंजेस आए हैं। एक टाइम पे हमारी ग्रोथ ऑलमोस्ट 10 टच कर रही है, अब वो बिल्कुल क्या आ चुकी है, 5 के भी नीचे आ चुकी है, इट इज ऑलमोस्ट टचिंग 4। ये ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ एक दो साल में जिसकी वजह से हमारी जीडीपी लगातार नीचे आई जा रही है, तो उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेजर रीजन क्या रहा है हमारी जीडीपी ग्रोथ में स्लोडाउन आने का। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने बात करी थी एक्सपेंडिचर मेथड की, तो मैंने उसके अंदर चार बताए थे, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड ए नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। तो बेसिक जो हमारा जीडीपी को ड्राइव कर रहा था, दैट वॉज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन। इसे हम क्या बोल देते हैं, PFCE, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, PFCE। तो हम देख रहे हैं इधर लिखा हुआ है PFCE has been the driving force behind India's economic growth for a long time। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम गाड़ियां खरीदते हैं, जो सामान खरीदते हैं डेली रूटीन का, वो बेसिकली क्या था, मेजर ड्रिवन फैक्टर था। अगर हम चार कॉम्पोनेंट्स लें एक्सपेंडिचर मेथड के, कंजम्पशन, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स, तो उनमें से मेजर कंपोनेंट कौन सा था जो जीडीपी को एनहांस कर रहा था, डेट वॉज पीएफसी, और उसी की ग्रोथ में हम क्या देख रहे हैं, गिरावट आई है। अगर हम कंपैरिजन करें मार्च 2018 से टू मार्च 2019, देख सकते हैं 8.8% से वो गिर के कहां तक पहुंच चुका है, 3.1% तक, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ हमारी 8.1 से कहां पे आ चुकी है, 5% तक। तो हम कह सकते हैं पीएफसी एंड जीडीपी ग्रोथ गो हैंड इन हैंड। हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हुआ जिसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ में क्या आई है, कमी आई है। जीडीपी ग्रोथ में कमी सिर्फ इसकी वजह से नहीं आई है, एक मेजर फैक्टर क्या है हमारा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये हमारा डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से हमारी जीडीपी में क्या आया है, कमी आई है, उसकी ग्रोथ में हमें क्या फेस करनी पड़ी है, कमी। अब हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम क्यों हुआ है, क्यों हम ज्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मेन रीजन आता है स्क्वीज ऑन द रूरल सेक्टर। क्यों हमारी कंजम्पशन कम हुई है, कंजम्पशन कम होने का कारण क्या है, स्क्वीज इन द रूरल सेक्टर, क्योंकि रूरल सेक्टर में स्क्वीज है। स्क्वीज क्यों है, पहली चीज क्या है, पहला पॉइंट, इन्फ्लेशन क्या है, कम है। आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम टारगेट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को इन द रेंज ऑफ 2 to 6%। हमारी क्या रेंज है, 2 to 6%, इसके बीच के हम, बीच में हम इन्फ्लेशन को रख रहे हैं जिसकी वजह से एक्यूरेट प्राइसेस नहीं मिल पा रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर्स को या जो भी अलाइड एक्टिविटीज में उनके साथ इन्वॉल्व है। क्योंकि इन्फ्लेशन कम है तो फार्म इनकम्स क्या है, कम है, फार्म इनकम्स कम है जिसकी वजह से रूरल वेजेस क्या है, कम है। अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी वेजेस भी कम हो जाएंगी, वेजेस कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी रूरल डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, आपकी रूरल डिमांड क्या कर जाएगी,
डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या फेस करना पड़ रहा है, इकॉनमी में स्लो डाउन। तो इकॉनमी में स्लो डाउन हम फेस कर रहे हैं, बट उसका रीजन क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कम होने का कारण क्या है, स्क्वीज ऑन द रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में स्क्वीज होने का कारण क्या है, लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ है, रूरल डिमांड क्या हुई है, कम हुई है, क्योंकि वेजेस क्या है, कम है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी इकॉनमी में क्या फेस करना पड़ रहा है, हमें स्लो डाउन। पर ये जो स्लो डाउन है, इट इज बेसिकली साइक्लिकल। अगर आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से हमारी जो ये स्क्वीज आया है रूरल सेक्टर में, दैट इज इनकम्स को, आप इन इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश कर दो। इनकम इंक्रीज होएगी, वेजेस इंक्रीज होएंगी, वेजेस इंक्रीज होएंगी तो रूरल डिमांड इंक्रीज होएगी, रूरल डिमांड इंक्रीज होएगी तो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्रीज मिलेगा। अगर वो इंक्रीज होएगा तो ऑटोमेटिकली जीडीपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जीडीपी को ड्राइव करने का मेजर कॉम्पोनेंट कौन सा होता है, बेसिकली जो पिछले काफी सालों से उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो दो चीजें थी हमारे पास जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की है, पहले कि जीडीपी में चेंजेस क्या आए हैं, दूसरा जो जीडीपी में स्लो डाउन आए हैं उसका एक मेजर कारण क्या रहा है। चलो क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट टैक्सेस, हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोडक्ट टैक्सेस की। इनमें से कौन से फॉलोइंग है जो पार्ट किसका है, प्रोडक्ट टैक्सेस का। पहला है एक्साइज ड्यूटी, सेकेंड है वैल्यू एडेड टैक्स, थर्ड है जीएसटी, फोर्थ है स्टैम्प ड्यूटी। ऑप्शंस है वन एंड टू ओनली, टू थ्री एंड फोर ओनली, वन टू एंड थ्री ओनली, एंड वन टू थ्री एंड फोर ओनली। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट टैक्सेस किसके ऊपर लगाए जाते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये पहले के तीन टैक्स हैं, दीज आर व्हाट, प्रोडक्ट टैक्सेस, क्योंकि ये किसके ऊपर लगते हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर लगाए जाते हैं। बट जो स्टैंप ड्यूटी है वो इंडिपेंडेंट होता है कि कितनी प्रोडक्शन होनी है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑब्वियसली सी ऑप्शन, डेट इज वन टू एंड थ्री, क्योंकि प्रोडक्शन टैक्सेस का कोई भी रिलेशन नहीं होता है किसके ऊपर, कि कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, स्टैंप ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू एंड प्रोफेशन टैक्स। पर जो प्रोडक्ट टैक्सेस होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर। तो एग्जाम्पल क्या है, वैट, एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी। क्लियर है? तो ये आज का हमारा टॉपिक था, दैट वाज रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जिसके अंदर हमने बेसिक दो करंट के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। वन इज द रिवाइज इन जीडीपी मेथोडोलॉजी, एंड सेकेंड जो हमारा स्लो डाउन आया है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। रिवाइज के अंदर हमने बेस ईयर चेंज कर दिया, 2011-12 कर दिया, और दूसरा मेथोडोलॉजी चेंज कर दी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। उसके अंदर जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अंदर हमने दो टर्म सीखी, प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन सब्सिडीज, प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज। दूसरी चीज, स्लो डाउन इकोनॉमी के अंदर चेक करने की कोशिश करी, डेट वॉज बेसिकली क्यों हो रहा था, स्लो डाउन की वजह क्या थी, क्योंकि हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हुआ है, डेट इज ड्यू टू डिक्रीज इन रूरल एग्रीगेट डिमांड। और उसी के रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोडक्ट टैक्सेस। यही हमारे, अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो उसके रिलेटेड हमारे करंट अफेयर्स थे पिछले 1.5 ईयर से। अब मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम अपना नया टॉपिक लेके आएंगे और उसके रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिले और आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू।